तो कैसे हो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है मार्वल के सबसे पहले और चाहिए सुपर हीरो स्पाइडरमैन के बारे में। वैसे तो एक वीक पहले ही हमें स्पाइडरमैन की अपकमिंग मूवी के सेट पे से लीक हुए फोटो देखने को मिले थे, लेकिन गाइस अब हमारे हाथ आ चुका है स्पाइडरमैन की अपकमिंग मूवी के सेट पर से लीक हुआ वीडियो, जिसमें हमें हमारे टॉम हॉलैंड मूवी के लिए शूटिंग करते हुए दिख रहे हैं। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मार्वल रिलेटेड सारी अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों ये रहा वो वीडियो जिसे एक मार्वल फैन ने रिकॉर्ड करने के बाद ट्विटर पर अपलोड किया था। वैसे तो हमें इस वीडियो से कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिला, लेकिन अगर हम कुछ बातें यहाँ पर नोटिस करें, जैसे कि हमें हमारा स्पाइडी सूट के बिना दिखाई दे रहा है और उसके साथ अपना बैग भी है, तो इसी से तो यही पता चलता है कि शायद वो या तो वो अपनी स्कूल की छत पर है या तो स्कूल से निकल कर कहीं और आया है। तो गाइस अगर आप अभी तक मूवी के टाइटल के बारे में नहीं जानते तो बता दूं कि इसे टॉम हॉलैंड ने इंस्टाग्राम पर रिवील किया था और जिसका नेम रखा गया है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। और साथ ही साथ मार्वल के बॉस केविन फेज ने सामने आकर ये स्टेटमेंट भी दिया था कि हमें मूवी में स्पाइडरमैन वैकेशन पर दिखाई देगा, तो इसका तो यही मतलब बनता है कि ये उसकी स्कूल की बिल्डिंग नहीं बल्कि कोई लंदन की रैंडम बिल्डिंग है जहाँ पर वो सिर्फ अकेले टाइम बैठने आया है। लेकिन गैस ये सीन देखकर हमें इतना तो पक्का पता चलता है कि हमारा स्पाइडी बहुत ही दुखी है, जैसे कि उसने किसी को खो दिया हो और जिससे वो बाहर नहीं आ पा रहा। वैसे भी हम पक्का तो नहीं बता सकते कि एवेंजर्स 4 में एक्जैक्टली क्या होने वाला है, सारे कैरेक्टर कैसे जिंदा होने वाले और मूवी के एंड के बाद कितने कैरेक्टर बचने वाले हैं, लेकिन हमें जिस तरह से मूवीज में टोनी और पीटर के बीच में का रिलेशन बताया गया है उससे तो ये वीडियो देखकर यही पता चलता है कि एवेंजर्स 4 में टोनी स्टार्क की डेथ हो चुकी है और उसी बात को लेकर हमारा स्पाइडी बहुत ही दुखी है। लेकिन अगर हम इस वीडियो में आगे देखें तो पता चलता है कि हमारा स्पाइडी एकदम से पीछे मुड़कर आसमान की ओर देखता है, जैसे कि उसे किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई दी हो, लेकिन वो चीज़ बहुत दूर होने के कारण वो पता नहीं लगा पा रहा कि आखिर वो है क्या। लेकिन वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पेपर, या तो फिर टोनी ने पीटर की सिक्योरिटी के लिए बनाया हुआ कोई आयरन सूट, या तो फिर एमसीयू का कोई बैड कैरेक्टर जैसे कि मिस्टीरियो या तो फिर वल्चर। इस फुटेज को देखकर हम पक्का तो नहीं बोल सकते कि वो आखिर क्या होगा, लेकिन हम इतना तो जरूर बोल सकते हैं कि हमारा स्पाइडी किसी चीज़ को लेकर बहुत ही दुखी है। और जिस तरह के रूमर्स बाहर आ रहे हैं उससे तो मुझे यही लगता है कि पीटर का इस तरीके से बिहेव करने का रीज़न सिर्फ एक ही है और वो है एवेंजर्स 4 में टोनी स्टार्क की डेथ। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।